हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पोहा या चिवड़ा का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप इसे बना के स्टोर करके रख सकते हैं। अभी दिवाली मंथ स्टार्ट हो गया है तो आप आपके गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी बेस्ट स्नैक्स ऑप्शन है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करें और मेरे साथ आपका फीडबैक जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे मैं कढ़ाई को गरम कर ली हूँ। अभी इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप पोहा, और पोहा को मैं 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। बेसिकली चिवड़ा बनाने के लिए पोहा को तला जाता है, बट मैं इसे बिना तले इसे बनाऊँगी। पोहा को मैं 4 मिनट के लिए भून के प्लेट में निकाल के साइड में रख ली हूँ। अभी यहाँ पे मैं कढ़ाई गरम करके 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच घी डाल के गरम कर ली। उसके बाद मैं 1/2 कप मूँगफली डाल के इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी, जब तक मूँगफली अच्छी तरीके से भून जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/4 कप कास्टर्ड नट डाल रही हूँ, और इसे भी मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक ये सुनहरा हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ किशमिश 1/4 कप, और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मैं सेम कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी, उसके लिए मैं सारी चीज़ों को एक साइड कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरे कढ़ाई पे भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से साइड करके 1 चम्मच सरसों का दाना, 1 चम्मच जीरा का दाना, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच अजवाइन, ड्राई चिली में डाल रही हूँ 3 से 4, करी पत्ता, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और इसे भून लूँगी। फिर मैं इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लूँगी। चाहे तो आप इसे एक अलग सा कढ़ाई में तड़का लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ शक्कर का पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, चुटकी भर काला नमक, और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। चलिए अभी जो हम चूड़ा को रोस्ट करके रखे थे उसको डाल लेंगे, और इसे हल्के हाथों से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और हमारा देख सकते हैं बिना तला हुआ हेल्दी और हल्का नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूरी ट्राई करें और मेरे साथ आपका फीडबैक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।